चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। काफी इंतजार के बाद झमाझम बारिश हो रही है। गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। नगर निगम की तैयारी की भी अब इस दौरान जो है पोल खोलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल मुंबई में अब मानसून दस्तक दे चुका है, ऐसे में झमाझम बारिश से हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली हो, लेकिन इस मानसून की दस्तक ने दरअसल स्थानीय प्रशासन की नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। तो गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इस राहत के बीच जो है मुश्किलें भी साफ तौर पर सामने आ गई, क्योंकि नगर निगम की पोल साफ तौर पर खुल चुकी है। सड़कों में देखिए तस्वीरें आपके सामने, पानी भर चुका है। तो ऐसे में हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली हो, लेकिन नगर निगम के कार्यशैली जो है वो सबके सामने आ चुकी है। किस तरीके से जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। तो ये पहली बारिश का असर कि नगर निगम के जो काम है वो सबके सामने आ चुके हैं। हालांकि इससे लोगों में गुस्सा जरूर हो, लेकिन झमाझम बारिश से लोगों के जो चेहरे हैं वो खिल चुके हैं, क्योंकि बारिश के चलते गर्मी से जो राहत मिली है, सभी को बारिश का इंतजार था। और ऐसे में झमाझम बारिश से लोगों में उत्साह और राहत गर्मी से मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में कहीं बारिश तो कहीं आफत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा। और ऐसे में नगर निगम की तैयारी क्या कुछ बारिश को लेकर है, इसकी पोल साफ तौर पर खुल चुकी है, क्योंकि पहली बारिश से ही आपको बताते चले कि जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे लोगों को लगातार कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो लबालब पानी से भर चुकी हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अर्जुन मलिक हमारे साथ जुड़ गए। अर्जुन, जिस तरीके से बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली हो, लेकिन नगर निगम की पोल साफ तौर पर खुल गई है, क्या कुछ जानकारी? जी लता, मुंबई की जो महाराष्ट्र की जो सरकार है, पिछले बार जो कही थी कि इस बार बारिश की फुल तैयारी है हमारी। हाँ। यहाँ पे आप इस महीने के आखिरी दिन में ही जब थोड़ी सी बारिश की शुरुआत क्या हुई कि मुंबई की सड़कों पर पानी जमा शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं दहिसर के इलाके में कांदीवली मलाड इस जगह पर पानी भरना शुरू हो चुका है। वही महानगर पालिका की जो तैयारी थी कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए दिख रही है। मुंबई की तुम्बई जैसे हालत हो चुकी है इस पर। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं, हालांकि अगर महाराष्ट्र की सरकार की बात की जाए तो उन्हें आपस में इतनी तनातनी की तस्वीरें हैं कि जो दिक्कतें हैं मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर शायद सरकारें वहां पर गौर नहीं कर पाती। और यही दरअसल बड़ा कारण है कि पहली बारिश में, आप सोचिए कि अभी ये मानसून की दस्तक है, ऐसे में ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये कई सवाल खड़े करती हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र की जो सरकार है एकनाथ शिंदे की सरकार, इन्होंने पिछले हफ्ते में ही ये बात कही थी कि इस बारिश में हमारी जो तैयारी है कहीं पे भी बारिश जमा नहीं होगा, इस तरह से उन्होंने वादा किया था। और नगर निगम से भी कहा था कि एक तस्वीर हमें भेजिए और इस पे हम जो भी है कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से पानी जमाव देखा गया है इस वक्त कि नगर निगम की ये नाकाम ही कही जाएगी। तो क्या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया इसको लेकर? ये जो तस्वीरें आई हैं सामने, नगर निगम की जो पोल खुल रही है, प्रशासन की जो पोल खुल रही है, नहीं फिलहाल इसमें नगर निगम की कोई अभी तक अपडेट नहीं आई है। जिस तरह से बारिश की जो तस्वीरें देख रहे हैं, नगर निगम इस वक्त काम पे लग चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।